नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट। फॉरेन कंपनी है, सर्विस दे रही है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। समझा देता हूं पहले क्या होता है, किसको? इंडियन कंपनी को, रेसिडेंट है ये, नॉन रेसिडेंट है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट नेट ऑफ टैक्स का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या होता है और उसका इम्प्लीकेशन क्या, और कैसे इसको हम एग्जाम के लिए सॉल्व करेंगे। जनरली आप लोग ऑफिस में जब काम करोगे या आगे काम करोगे क्वालिफाई करने के बाद, तो देखोगे नॉन रेसिडेंट्स के साथ जो जनरली इंडियंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नेट ऑफ टैक्स के होते हैं। अब नेट ऑफ टैक्स क्या है? सर ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस 917 में कवर्ड है, यानी ये डिम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम अगर हो गई तो लायबल फॉर टीडीएस होगी, लायबल फॉर टैक्स होगा। अब ये एनआर क्या कहता है रेसिडेंट को एग्रीमेंट में, एज पर एग्रीमेंट टैक्स और टीडीएस इन इंडिया इफ एनी। ये एनआर बोलता है देखो भाई मैं तुम्हें टेक्निकल सर्विस दूंगा, तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे, तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे, $5 लाख दोगे, वट एवर जो भी है। फॉरेन कंपनी कहती है मैं तुम्हें फी फॉर टेक्निकल सर्विस, मैं तुम्हें टेक्निकल सर्विस दूंगी, तुम मुझे बदले में फी दोगे 5 लाख रुपए, जो कि इंडिया में टैक्सेबल है, मैं जानता हूं आप भी जानते हैं, लेकिन सर एग्रीमेंट ये कर लेते हैं क्या, टैक्स इन इंडिया इफ एनी विल बी बॉर्न बाय पेयर रेसिडेंट। इसको बोलते हैं नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट। ठीक, नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट। अब मान लो टैक्स रेट कौन सा है, DTAA का 10% है। सर अब क्या है, इसको पेमेंट करनी है 5 लाख रुपए की, और ये बोलता है मुझे 5 लाख रुपए पूरे चाहिए विदाउट टैक्स। सर फॉरेन कंपनी एक नॉन रेसिडेंट है जिसने इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे जो भी पेमेंट चाहिए नेट ऑफ टैक्स चाहिए, जो भी इस पेमेंट पर टैक्स लगेगा वो तुम जानो, तुम्हारा इंडिया जाने। और सर 100% कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं, तुम कहीं भी ऑफिस में काम कर लो, कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम कर लो। सर मैंने तो रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रखा है, रिलायंस के साथ भी जो फॉरेन कंपनी का नेगोशिएशन होता था वो इसी तरीके का होता था। मतलब इंडियन कंपनी पावरफुल हो जाए तो एग्रीमेंट का नेचर चेंज हो जाता है, नहीं, इंडियन कंपनी कितनी बड़ी से बड़ी हो कितनी छोटी से छोटी हो, ये एनआर बोलता है सुनो मैं 5 लाख रुपया चाहता हूं तुमसे। अब तुम इसे रॉयल्टी कहो इंडिया में, तुम इसे इंटरेस्ट कहो, तुम फी फॉर टेक्निकल सर्विस कहो, तुम 917 लगाओ, 115A लगाओ, ये तुम जानो, तुम्हारा इंडिया जाने। एनआर बहुत क्लियर है, मैं तुम्हारे को ये सर्विस तभी दूंगा जब मेरे अकाउंट में 5 लाख मिल जाए। 115A क्या होता है, 917 क्या होता है, 44DA क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, तुम जानो। मेरे से सर्विस लेनी है 5 लाख रुपया मुझे चाहिए। अब इंडियन कंपनी के पास कोई ऑप्शन है नहीं, वो एग्रीमेंट इंटर करता है, बोलता है ठीक है सर आपसे हम डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे वो दे दीजिएगा, यानी आपकी कंट्री का इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंट्री का TRC, आपका एक फॉर्म 10F, बाकी हम संभाल लेंगे इंडिया में, आपसे हम कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे इस चीज का तो दे दीजिएगा, पूरा आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। चलिए सर अगर ऐसी डील है, क्योंकि पलड़ा भारी है किसका, फॉरेन कंपनी का, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, सर्विस लेना जरूरी है। और ऐसे भी वो एनआर बोलता है यार तुम्हारे इंडिया का टैक्स हमें समझ में नहीं आता है, कभी तुम बोलते हो 44BB में जाएगा, कभी बोलते हो 115A में जाएगा, कभी बोलते हो 44DA नहीं होना चाहिए, हमें नहीं समझ में आता, हमें प्योर 5 लाख रुपए चाहिए, क्या करें। सर एग्रीमेंट रॉयल्टी, एग्रीमेंट फी फॉर टेक्निकल सर्विस से रिलेटेड है, इंडिया में वो इनकम है, जब मैं DTAA पढ़ रहा हूं तो ये 10% पे टैक्स हो रहा है,
तो ये पूरे 5 लाख रुपए तो दे देगा और अब टैक्स ये खुद से जमा करेगा, टैक्स अंडर सेक्शन 195 ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ग्रॉसिंग अप कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 195 कैपिटल ए, आगे आएगा 195 195 ए। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट नेट ऑफ टैक्स का है तो अमाउंट को ग्रॉस अप करना पड़ेगा, और ये ग्रॉसिंग अप पहले आप मुझसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में आप मेरे से पढ़ चुके हैं। 100 माइनस 10 इंटू 100 ये ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। 10% का टीडीएस रेट है तो ये इक्विवेलेंट है किसके, 90% के, ऐसा एज्यूम करना होगा। टीडीएस का अमाउंट कैसे निकलेगा, 5 लाख डिवाइड बाय 90 इंटू 10 कर दोगे तो टीडीएस का अमाउंट, और ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगा, 5 लाख को डिवाइड कर दोगे 90 से और इंटू 100 करोगे तो ग्रॉस अमाउंट निकलेगा। सर टीडीएस का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट बॉन्ड करना पड़ेगा किसको, किसको, इस पेयर को। सर पेयर क्या करना चाहता है, बोलता है सर मैं 5 लाख रुपए पे इंटू 10% 50,000 का टीडीएस कर देता हूं, 5 लाख उधर भेज देता हूं और 5 लाख का 10% 50,000 इधर जमा कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। सर टीडीएस डिम्ड इनकम होती है किसकी, टीडीएस डिम्ड इनकम होती है किसकी, एनआर की, पेई की। टीडीएस डिम्ड इनकम होती है एनआर की, पेई की, नॉर्मली जब कोई भी आदमी टीडीएस का अप्रोच फॉलो करता है। तो हम ग्रॉसिंग अप करते हैं, यहां पर देखिए कैलकुलेटर चलाता हूं मैं, ग्रॉसिंग अप क्यों किया समझाने के लिए, 5 लाख डिवाइड बाय 90 इंटू 10 ये आ गया 55,555। अब मैं समझाता हूं ये क्यों हमने ऐसा ग्रॉसिंग अप किया। देखो 5 लाख रुपए इसको मिले बैंक में फी फॉर टेक्निकल सर्विस, डिम्ड इनकम हो गई टीडीएस कितनी 55,555, टोटल कितना 55,555, टीडीएस अब काटिए इस पे 10% तो कितना आया 55,555, नेट अमाउंट कितना हुआ 5 लाख। ये एनआर क्या दिखाएगा, ये नॉन रेसिडेंट जब इंडिया में अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो बोलेगा मुझे 5 लाख इनकम नहीं हुई है, मुझे 55,555 की इनकम हुई है और सामने वाले ने कितना टीडीएस जमा कर दिया, काट लिया 55,555 ग्रॉसिंग अप। चूंकि हमारा टीडीएस का रेट 10% निकल के आ चुका है, हम इस 5 लाख को 90% से डिवाइड करके उस अमाउंट पे ले जाएंगे जो टीडीएस के साथ कहलाएगा, और अब इस पे टीडीएस काटूंगा तो वो नेट अमाउंट के बराबर हो जाएगा, ऐसा कहता है 195A ग्रॉसिंग अप। और सर ये ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट आप मुझसे आईओएस के अंदर लॉटरी पे भी पढ़ चुके हो और सिक्योरिटीज पे भी पढ़ चुके हो, मैं आपको आईओएस की क्लास में इंटरेस्ट पे भी बता चुका हूं और लॉटरी पे भी बता चुका हूं ये ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट। ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट डीडीटी में भी फॉलो होता है 15/85, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15/85 वहां भी फॉलो होता है, ठीक है। सर नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट ही जनरली एनआर करते हैं, चाहे रॉयल्टी का एग्रीमेंट हो, इंटरेस्ट का एग्रीमेंट हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विस का एग्रीमेंट हो, कोई भी एग्रीमेंट अगर ये एनआर और फॉरेन कंपनी इंडियन के साथ करते हैं तो बोलते हैं भाई मुझे 50 लाख चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, इंडिया में कोई टैक्स लग रहा है तो वो 13, ठीक है भाई, अदरवाइज हम सर्विस ही नहीं देंगे। तो ये हो गया एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टी। अब इससे इनकम टैक्स वालों को मतलब नहीं है, इनकम टैक्स बोलता है अगर ऐसा कोई डील हुआ है तो तुम्हें ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा इस तरीके से कि जो टीडीएस कटेगा, टीडीएस जो जमा होगा वो इसकी इनकम कहलाया के जब मैं टैक्स निकालूंगा इस पे 10% तो वो टीडीएस के बराबर होना चाहिए। अच्छा आप सोच रहे हैं कि मैं 5 लाख का 50,000 जमा करा दूं तो नहीं होगा, 50,000 उसकी इनकम मानूंगा, वो इनकम होगी 5,50,000, 10% आएगा, 5,55,000, 50,000 जमा है, 5,000 कौन देगा, ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा हमें। सर ये मैं इंटर लेवल पे सैलरी की क्लास में भी बताता हूं,
नेट ऑफ टैक्स का ट्रीटमेंट मैं इंटर लेवल पे सैलरी की क्लास में भी बताता हूं। फाइनल लेवल पे हम ध्यान नहीं देते उस पर, कोई बात नहीं। फाइनल लेवल पे हम लोग इसको टीडीएस की क्लास में पढ़ते हैं 192 के अंदर। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी पक्स एग्जम्प्ट होता है, इसके लिए उसका ग्रॉसिंग अप करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं 10(6) में यही चीज बताऊंगा कि कब ग्रॉसिंग अप करते हैं और कब नहीं करते हैं, कब जरूरत पड़ती है कब जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल हमने टीडीएस के अमाउंट को डिम्ड इनकम मानना ही पड़ता है पेई का। हम लोग ऐसा जानते हैं टीडीएस डिम्ड इनकम होता है पेई का, और ये टीडीएस बोल के ही तो कटेगा। सर अगर इंडियन कंसर्न को फी फॉर टेक्निकल सर्विस की पेमेंट करनी है तो टैक्स जमा कराना होगा टीडीएस बोल के। अच्छा, टीडीएस जब कटता है तो नेट अमाउंट मिलता है सामने वाले को टीडीएस कट के। तो 5 लाख पर अगर 50,000 कटता तो कितना मिलता, 4.5 लाख। लेकिन सामने वाला पूरा 5 लाख लेना चाहता है क्योंकि उसने ऊपर एग्रीमेंट कर रखा है नेट ऑफ टैक्स का। तो फिर हम 5 लाख को किसके बराबर मानेंगे, 90% के बराबर, कि 10% टीडीएस कट चुका है। ग्रॉसिंग अप करेंगे तो आएगा टीडीएस का अमाउंट 55,555। हम इसे सामने वाले की इनकम मान भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसको पैसा मिला 5 लाख अमाउंट रिसीव्ड, टीडीएस उसकी हो गई इनकम, ग्रॉस ये हो गया, टीडीएस कटा 10%, तो नेट यानी एंड रिजल्ट सेम है। ऐसे समझो कि एग्रीमेंट 5 लाख का था ही नहीं, 5,55,555 का था। ठीक, एक बात और, अगर यही चीज पे इनकम टैक्स का रेट लगाओ, मान लो मुझे इनकम टैक्स का रेट लगाना है, DTAA का रेट मुझे नहीं मिला, तो ये हो जाएगा 10.4% टैक्स प्लस सेस। सरचार्ज मान लो नहीं है। अच्छा, सरचार्ज नहीं होगा 5 लाख पे, सरचार्ज कैसा, पेमेंट कितने की है 5 लाख की, पेमेंट कितने की है 5 लाख की, 5 लाख पे सरचार्ज थोड़ी ना होता। इंडिविजुअल पे 50 लाख से ज्यादा हो, कंपनी पे 1 करोड़ से ज्यादा हो, सरचार्ज है नहीं, सेस देना पड़ेगा। तो सर अगर इनकम टैक्स रेट लगाओगे इनकम टैक्स एक्ट का, इनकम टैक्स रेट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट का लगाओगे तो वो 10 नहीं 10.4% हो जाएगा। बोला सर 10% ही तो लिखा है किसमें, 115A में, सेस भी तो जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 10.4। अब ग्रॉसिंग अप कैसे करेंगे, अब ग्रॉसिंग अप करेंगे 5 लाख की पेमेंट डिवाइड बाय 100 माइनस 10.4 इंटू 10.4 कर दोगे तो टैक्स का फिगर आ जाएगा, और इंटू 100 करोगे तो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। तो सर टीडीएस के रेट को यहां पे रखते हैं और उसी को रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो टैक्स की फिगर आती है। तो DTAA रेट में तो सेस होता नहीं, तो डिवाइड बाय 100 माइनस 10 करना और इंटू 10 करना है। और अगर ये DTAA रेट नहीं है, एक्ट का रेट है, तो सेस का इंपैक्ट देना होगा। सिमिलर बात हमारी हो चुकी है कहां, कैजुअल इनकम में, TDIOS की क्लास में। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग IOS की क्लास कैजुअल इनकम में भी करते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखना 10 की जगह 10.4 है, मतलब ये इनकम टैक्स एक्ट का रेट है। ठीक, और अगर 10% है तो वो DTAA का रेट है। दोनों मैंने करा दिया, अब आपको नोट करना है। ये बैकग्राउंड में तैयार कर रहा था किसका, नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट अगर होता है NR के साथ तो उसका मतलब क्या है, एग्जाम के लिए, ऑफिस के लिए, फ्यूचर में एज अ क्वालिफाई जब आप काम करोगे तो उसके लिए। 1 लाख रुपए की बात बताइए सर, ये मेरी फीस आप इसमें कवर कर ही नहीं सकते, इस बात को मैं बता दूं तो। सर आपने जो मुझे फीस दी है ना, उसमें ये सब बातें नहीं है। ठीक, ये 1 लाख रुपए की बात है। बिग फोर से पूछने जाओगे 1 लाख रुपए वो ले लेगा। और कोई भी पर्सन, ये वीडियो अगर आपके पास है रिकॉर्डिंग करके या यूट्यूब पे अगर आप इसको देख रहे हैं, तो किसी भी पर्सन को जो ऑफिस में काम करते हैं नॉन रेसिडेंट्स पे, ठीक है, बिग फोर कह लो, इंडस्ट्री कह लो, कहीं भी अगर आप फ्यूचर में काम करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर दिखाना नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट और डील क्या होती है। शायद वो बोलेंगे कि हाँ ये सारा डिस्कशन ऐसा ही हम लोग ऑफिस में करते भी हैं, वो बोलेंगे ऐसा ही हम लोग ऑफिस में करते हैं, गारंटी है। अब तुम किसी भी, अब तुम खुद बिग फोर में काम करते हो, तुम्हारे दोस्त काम करते हो, आप उनको ये सब दिखाना, या कहीं भी नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड अगर कोई भी काम होता हो आपको कंफर्म करना है, तो इस वीडियो को जरूर दिखाना,
इसकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग क्लिप बना लेना। लाख रुपए की बात है सर, फीस में तो कवर ही नहीं है ये। लिखिए इसे, चलिए सर अब मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं, नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को रोकिएगा, यहां पर नोट कीजिए, थोड़ा और मैं नीचे जा रहा हूं, वीडियो रोके, नेक्स्ट, वीडियो रोके, नेक्स्ट, वीडियो रोके, नेक्स्ट। सर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल क्या है? फाइनल कॉल है कि पेमेंट टू एनआर है, पेमेंट टू एनआर, फी फॉर टेक्निकल सर्विस 5 लाख रुपए, ठीक। ए नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट के अंदर नेट ऑफ टैक्स Not provided। सर नेट ऑफ टैक्स नहीं है, मतलब हम टीडीएस काटेंगे, सामने वाले को नेट पेमेंट देंगे, टीडीएस काट के पेमेंट देंगे, नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, यानी पूरा अमाउंट 5 लाख सामने वाले को चाहिए नहीं, यानी टीडीएस जितना भी इंडिया में है, इंडिया में जितना भी टैक्स है टीडीएस है काटो। अगर ऐसी बात है तो टीडीएस कटेगा 10% ऑफ 5 लाख, कितना? 50,000।
ठीक। पेमेंट टू एनआर एफटीएस 5 लाख रुपए की बात हुई है फीफो टेक्निकल सर्विस की। फाइनल कॉल क्या है? सर हमारी एक एनआर से बात हुई है, उसको हम 5 लाख रुपए देंगे फीफो टेक्निकल सर्विस और 10% का इंडिया में टीडीएस है, मान लो डीटीडब्ल्यू रेट 10% बोला तो डीटीडब्ल्यू रेट, सेस जोड़ूंगा तो इनकम टैक्स का रेट, ठीक है ये डीटीडब्ल्यू का रेट है। लेकिन हाँ 50,000 कट के नेट पेमेंट कितनी की होगी? नेट पेमेंट 4.5 लाख की होगी। उस एनआर की इंडियन इनकम कितनी होगी? उस एनआर की इंडियन इनकम कितनी होगी? तो जो मिला है उसको पैसा वो और टीडीएस का अमाउंट दोनों मिला के कितना? 5 लाख रुपए। ठीक। बोला नहीं सर अभी जो आपने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग अगर हो तो नेट ऑफ टैक्स 4.5 लाख रुपए में नेट ऑफ टैक्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो तब सर वही है मान लो डीटीडब्ल्यू रेट 10% है तो टीडीएस का अमाउंट कितना आएगा? 55,555। अभी जो समझाया नेट अमाउंट रिसीव्ड उसको पूरा कितना मिलेगा एनआर को? 5 लाख। एनआर की इंडियन इनकम कितनी कहलाएगी? 5,55,555 जिस पर टैक्स 10% उसका कितना आएगा? 55,555 एक 50 पैसा 56 होता है। मैं जानता हूं आपके मन में होगा सर 55,556 क्यों नहीं लिख रहे, अगर एग्जैक्ट जाऊं तो फिर 55,556 ही हर जगह लिखूंगा। लेस टीडीएस कट चुका है इंडिया में कितना? 55,555 ओवरऑल नील। ये एनआर की पोजीशन हो गई, एनआर को कोई नुकसान नहीं हुआ। बोला सर आपके एनआर ने एनआर को दिया 5 लाख इनकम बता रहे हो 55,555 हाँ टैक्स है 55,555 पांच और फिर लेस टीडीएस उतना ही है। ये हो गया नेट ऑफ टैक्स अरेंजमेंट। ठीक। ये एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान रखना, ग्रॉसिंग अप करके निकला है 55,555 लिखिए फाइनल कॉल ये लिखिए। अगर नेट ऑफ टैक्स एग्रीमेंट नहीं है तो 5 लाख में टीडीएस कट के बैलेंस मिलेगा, एनआर की इनकम 5 लाख कहलाएगी टीडीएस जोड़ के। टीडीएस डिम्ड इनकम होती है ना, टीडीएस डिम्ड इनकम कहलाती है, पार्ट ऑफ इनकम डिम्ड टू बी रिसीव्ड कहलाती है।
चलिए सर नेक्स्ट लिखिए यहां पे। तो सर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, हम लोग कोई ऐसी चीज पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं एनआर की क्लास में, ये सब चीज बेसिक लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग आईओएस के अंदर पढ़ चुके हैं कि प्राइज मनी, अगर प्राइज मनी 5 लाख है और टीडीएस काट के प्राइज मनी देनी है या पूरा 5 लाख देनी है, अगर काइंड में हो तो क्या करेंगे, ये सब डिस्कशन हम लोग आईओएस के अंदर कर चुके हैं। गिफ्ट इन काइंड हो तो क्या करेंगे, ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट, किसी डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट की है और इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स हो तो क्या करेंगे, ये सब सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक, चलिए अब है 10.6 ए क्या कहता है, चले आगे। सर कोई भी नॉन रेसिडेंट जब इंडिया से एग्रीमेंट करता है तो 90-95% डील ऐसी ही होती है कि इंडिया का टैक्स तुम जानो, हमें पूरा रुपया चाहिए रॉयल्टी का, इंटरेस्ट का और फी फॉर टेक्निकल सर्विस का। और तभी ये इंडियन कंपनी और रेसिडेंट ना टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े मोड़े और डिजिटली यूज करें, कौन कौन से कंट्री के साथ एग्रीमेंट करें, कौन कौन सी कंट्री के रेसिडेंट लोगों के साथ कैसा कैसा एग्रीमेंट करे कि इंडिया में टैक्स ना लगे। पर्पस यही है मेनली, अगर हमें पेमेंट करनी है और टैक्स काटना ही है तो फिर इतनी सारी टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन और गार की रिक्वायरमेंट ही क्यों आए। गार की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि ये जो रेसिडेंट है इंडिया वाला, इंडियन कंपनी पे करते समय ना ये ऐसे पे करना चाहता है कि टैक्स ही ना लगे, ना लगेगा टैक्स ना बॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनआर भी चालाक है। एनआर बोलता है भैया मुझे शुद्ध शुद्ध 5 लाख रुपए चाहिए, बाकी तुम जानो इंडिया का लॉ और इंडिया के नियम। अब ये जो इंडियन कंपनी है टाटा बिरला रिलायंस, ये बस अब प्लानिंग में लगी रहती है कॉन्ट्रैक्ट किस कंट्री के एनआर से करें, साइप्रस से करें या मॉरिशस से करें, सिंगापुर से करें या थाईलैंड से करें, किस तरीके से करें, क्या पेमेंट का नेचर हो, रॉयल्टी एफटीएस या बिजनेस, है ना, 2-3 मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट करें, डिवेंचर दिखाएं या इक्विटी दिखाएं, कंसल्टेंसी दिखाएं या मैनेजमेंट दिखाएं, ये प्लानिंग करते रहते हैं ताकि इंडिया में टैक्स ही ना लगे, इनकम टैक्स एक्ट में लगे लेकिन GTAA में ना लगे। ठीक, और मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट जो मांगोगे वो देंगे, TRC मांगो वो देंगे, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मांगो वो देंगे, सब कुछ देंगे वो। चलिए सर,